हाय गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर सन। हमारे यूट्यूब चैनल एस सी आई एडुटेक यानी हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। गाइस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंबल्स। एमएस वर्ड की फाइल में हम लोग सिंबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो और साथ ही साथ गाइस उनके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम किस प्रकार वर्ड की फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं। ऑलरेडी इंसर्ट टैब सेलेक्टेड है गाइस, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद इक्वेशन में जाने के बाद गाइस हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन आ जाता है, तो इस तरह से हम इक्वेशन इंसर्ट नहीं कर सकते। तो गाइस हम आसान वे आसान तरीका यूज करते हैं। ये सिंबल है, ये आपका इक्वेशन का सिंबल है, इस पर जाके हम क्लिक करते हैं। जो ही क्लिक करते हैं तो हमारा डिजाइन टैब इनेबल हो जाता है, और डिजाइन टैब जब इनेबल हो जाता है इसमें फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रल है, लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स है, फंक्शन है, एसेंट है, लिमिटेड लॉग है, ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है। तो गाइज अभी हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं कि हम लोग फ्रैक्शन बटन में किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे फ्रैक्शन पे जाएंगे, और फ्रैक्शन में इस तरह का आएगा, इस तरह का डिजाइन आएगा। गाइस हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे 1/2 1/2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस का सिंबल दे सकते हैं। फिर गाइस इसे ही कॉपी हम कर लेते हैं, और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो गाइस इसे 1 को हटा करके 6 लिखते हैं, और 2 को रिमूव करके 3 लिखते हैं। तो गाइस इस तरह से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना सकते हैं, कंट्रोल वी करेंगे, क्योंकि एक बार हमने कॉपी किया है तो वो बार बार आ जाएगा, हजारों बार पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस 15 या फिर 25 करते हैं। तो गाइस इस प्रकार हम लोग फ्रैक्शनल कैलकुलेशन को टाइप कर सकते हैं। तो गाइज इसका यूज अक्सर क्वेश्चन टाइप करने के लिए किया जाता है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर हमें टाइप करना होता है तो हम इन्हीं कैलकुलेशन फ्रैक्शन का यूज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनाते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।